घर पर घर एक और चीज ऐड कीजिए, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना ही है। उनके बाद योजना में सूर्यता हम दुकान में था और बीच बहुत ही कुछ समझा था तो बहुत बहुत उसको सीधे वेरी नेवर नहीं हूँ माफ करो लगा 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 घर से बाहर निकले नेक्स्ट टाइम से आप माफ करो बस फिर पार्टी में चला ना ना बुमानी ना हाँ हाँ बंदी का हाँ बंदी का ऐसे और कारण से तुम्हें मास्क बांधो मास्क बांधो इसे जाइन पर ज्यादा खा यही इंतजार रहेगी कि इनको फ्रंटलाइन वॉरियर डिक्लेयर करे क्योंकि जब सैनिटेशन जब तक फिर से वैसे ही बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं और अब अपने जम्मू और कश्मीर में ओमिक्रॉन के केसेस भी आ रहे हैं। इस हाई टाइम तो उसकी अब हम डायरेक्टर यूएलबी ने हमें कहा कि किक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये वेरी नाम के कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन ने किया था। फिर हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप घर घर दस्तक। लेकिन मैंने इसमें ये ऐड ऑन किया कि मैंने सोचा कि हम इसमें फीमेल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि मेरी नज़र में घर की जिम्मेदारी हर एक जिम्मेदारी ज़्यादा एक औरत पर होती है। जैसे हमारी कोई माँ है, बहन है, किसी की बीवी है, ये एश्योर करती है निकलने के पहले कि मेरे बच्चे के बैग में टिफ़न है, कॉपी है, पेंसिल है, या मेरे शौहर के पास गाड़ी की चाबी है, हैंकरचीफ है या वैलेट है उनका। ऐसे ही उसको ये एश्योर करना है कि जब वो घर से बाहर जाए वो मास्क के बगैर ना जाए, क्योंकि इस बीमारी का तोड़ मुझे लगता है कि एक औरत ही कर सकती है, जबकि वो अपनी फैमिली को सिक्योर करेगी, ये उनको गाइडलाइंस देगी कि नहीं आपको घर से ही अपनी सेफ्टी जो मास्क है या सैनिटाइज़र भी ज़रूरी नहीं है, बार बार हाथ धोना है, उसका एक औरत का इसके इसमें बहुत ही अहम रोल है। तो आज हमने पुलिस के साथ और हेल्थ सेक्टर के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया क्योंकि मेरी नज़र में हम तीनों जब इसमें काम करेंगे तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि पुलिस का अपना एक रोल है इसमें, रिस्ट्रिक्शन हेल्थ केयर का अपना है, मेडिकेशन वगैरह टेस्टिंग का, और हमारा जो है सैनिटेशन का है। और मेरी इसमें गवर्नमेंट से ये भी अपील रहेगी, जैसे उन्होंने पुलिस को और हेल्थ सेक्टर को फ्रंटलाइन वॉरियर डिक्लेयर किया, ऐसे ही हमारे सैनिटेशन सेक्शन को भी इसमें फ्रंटलाइन वॉरियर डिक्लेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। उसे मेरी यही मैसेज, यही ये हिस्सा भी उसी एक प्रोग्राम का है कि यही मैसेज रहेगी, बिल्कुल एहतियात बरतिए, मास्क के बगैर बाहर मत निकलिए। अगर किसी को जुकाम खांसी या कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं खुद ही आइसोलेशन में चले जाइए, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो फ्लू मेडिसन्स है या ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन है उसका इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स में भीड़ ना बढ़ाइए, या कोई भी रेस्टोरेंट है या शॉपिंग कम्प्लेक्स है भीड़ ना बढ़ाइए, खुद ही एहतियात कीजिए।